दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जहाँ से एंड किया था फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया था ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी में मसाला पीसा, उसके बाद इसमें हिंग जीरा फ्रेश करके डाल दिया था। रायता तो पहले से बना हुआ था और उसके बाद मसाला मैंने पीसा। उसके बाद एक कढ़ाई रख दी, इसमें तेल, और तेल गर्म हुआ, जीरा डाल दिया, तेज पत्ता और प्याज डाल दिया, प्याज हो गया। उसके बाद प्यूरी डाल दी टमाटर की। फटाफट से बना लूँगी पनीर, चला दूँगी क्योंकि बड़ा हो जाता वीडियो, तो फिर मैं सोची बड़े उसमें तो बन पाता है तो फिर दूसरे वीडियो या ब्लॉग में किसी में ऐड कर दूँ, क्योंकि क्यों फिर पूरा लगा लूँ तो फिर दिक्कत होती है एडिटिंग करने में। और इधर प्याज और टमाटर की प्यूरी हो गई। उसके बाद मसाले डाल दिए थे डेली के, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और पनीर मसाला थोड़ा। और जब अच्छे से हो गया, तेल अलग हो गया मसाले से, उसके बाद मटर डाल दी और ये पनीर डाल दिया। थोड़ा पनीर मैंने वैसे क्रीज करके रख लिया है, थोड़ा डाल दूँगी। वैसे तो मसाला तो काफ़ी है और पनीर खूब अच्छे से बन जाएगा, पर फिर भी मैं जब हो जाएगा ये अच्छे से बन जाएगा उसके बाद डालूँगी पनीर। थोड़ा रखा है, एक पाव मंगाया था, 250 ग्राम का पैकेट था, और ये बुआ का लड़का भी आ गया था, तो फटाफट से बना लूँगी थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि छुट्टी थी इसकी शनिवार की नेवी में, तो इसकी पोस्टिंग यहीं दिल्ली में हुई, तो 2-3 महीने से मैं बोल रही आ जा, फिर मैंने बोलने ही बंद कर दिया। मैं बोली जब मन होगा तो आ जाएगा, तो ये शनिवार को आ रहा था, पर शनिवार को पता नहीं ऑफिस में सर ने किसी ने बुला लिया था इसे, तो नहीं आया था। फिर संडे को बोला दीदी पक्का आऊँगा, तो संडे को आया था। तो इस कपड़े भी हो जाते हैं ड्रेस के, ड्यूटी के, तो वो साफ आप किए होंगे जो भी किया हो। फिर ये आ गया था 1 बजे से पहले पहले आ गया था। तो ये खाना ना मैंने बना के थोड़ा रख लिया, पनीर बन रहा था, फिर ये आ गया, तो इसे ठंडा ठंडा दिया, पिया थोड़ी देर में, अभी बैठी बात आत की। उसके बाद पनीर हो गया ये, और रोटी बनाऊंगी सिर्फ, और तो सामान तो बना के रख लिया था मैंने पहले से ही, और रोटी भी बना ली, इसे लगा दूंगी थाली। और सुबह मैंने क्या किया था, हस्बैंड को पराठे बना दिए थे, तो उन्होंने खा लिए थे, तो उन्हें तो भूख नहीं थी, और पराठे वैसे भी गद होती हैं, तो इसे मैंने खाना लगा के दिया, तो ये खा नहीं रहा है। बोला अकेले नहीं खाऊँगा दीदी, आप भी खाओ, जीजा खाओ। तो मैं बोली वो तो खा लिए, वो एक ही बार खाते, वो बार बार नहीं बैठते हैं। तो फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, मैं अपने लिए लगाती हूँ थाली। फिर मैंने और लड़की ने लगाई दोनों के लिए लगा के, तो मैं बोली चलो उस कमरे में चलते हैं, वहाँ तेज़ पंखा भी चलता है, क्योंकि अब होता गरम गरम खाना खाओ फिर गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर इधर आके बैठ गए थे, तो हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, फिर मैंने दूसरे दिन का इसमें ऐड कर दिया था। खाना ना खाया दोपहर में, हम लोग बात बात करते रहे, थोड़ा आराम किया सभी ने। ये तो शनिवार संडे को तो IPL मैच भी आता है दोपहर में, तो हस्बैंड वो देख रहे थे, फिर ये भी देखने लगा, सभी देखते रहे। और फिर मैं भी अपने काम में लगी, ब्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पे हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो थोड़ा इसका फ़ोन रख दिया था, काफ़ी बन गया था, फिर मैंने कट कर दिया कि इतना क्या करना, थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूँ। तो यही है, जो भी करती हूँ वही मैं करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आज का फैमिली ब्लॉग में सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह से वीडियो स्टार्ट किया, सुबह क्या 9:30 बजे गए काम हो गया, जरूर पहुँचा, नहाया, कपड़े धुले, उसके बाद ये चावल फ्राई किए, सुबह बनाए थे मैंने उसके लिए, अच्छा स्कूल गई थी, और यहाँ पर बना ली चाय। मैंने सोचा भी थी कर दूँ स्टार्ट, चलिए पहले तो खा लूँ जाके, कुछ बनाऊँगी सब्जी सोचूँगी। आ जाओ इधर आ जाओ, अरे बैठ गए, टीवी दिखाएंगे। पहले तो कर लूँ नाश्ता, उसके बाद फिर देखो काम भी हो जाता है, कपड़े भी थे काफ़ी तो उसमें लगी रही। फिर सोची अब वीडियो कर दूँ स्टार्ट, चलिए पहले कर लूँ नाश्ता, फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से, तब तक बने रहना पूरा ज़रूर देखना। दोपहर का है टाइम, बनाने के लिए सोचती रही ये डाल दिए, लेने गए हैं दुकान पे लस्सी, पहले तो सोचती रही क्या बनाऊं बनाने के लिए, भी बैंगन तो रखे हैं, आलू भी रखे, पर बैंगन खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पता नहीं क्यों, तो बच्चे भी नहीं खाते, कम अच्छे लग रहे हैं आजकल। एक तो बारिश आ रही, सो रही, तो एक कीड़ा ईड़ा अंदर होंगे,
ये रखे हैं, अभी किसी दिन फिर बनाऊंगी। आज कढ़ी का मन था, फिर मैंने सोचा कढ़ी बना लूँ। लस्सी भी नहीं थी, दही भी नहीं है, बोल चले जाओ लेके आ जाओ। तेल लेने गए, फटाफट से बना लूँ जल्दी से, चावल बना लूँगी, थोड़ी रोटी बना लूँगी। चलिए जो भी होगा शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा, जब एक्जैक्ट बना लूँ पहले। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो मैं वो तो पूरा हो नहीं पाया था ब्लॉग, फिर मैंने ये वाला ऐड कर दिया इसी में पूरा हो जाए। तो यहाँ पे सुबह मैंने नाश्ता किया, उसके बाद ये दोपहर का है। यहाँ पे पहले तो सोची क्या बनाऊँ, फिर कढ़ी का दिमाग में आ गया, कढ़ी बना लूँ। कढ़ी मुझे पसंद, बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्या मेरे घर में सभी खाते हैं। तो लस्सी का पैकेट एक लेके आए थे, दही लेके आए थे, तो दही भी डाल दूंगी इसमें और लस्सी भी डाल दूंगी, तो थोड़ा खट्टा भी हो जाएगा। और दही रख दिया, थोड़ा ही निकाला, सारे ही डाल दिया वैसे तो, थोड़ा बचा के रख लिया। और इधर तेल भी गर्म हो गया था, और इधर चला दूंगी थोड़ा दही को अच्छे से। पहले तो मुझे ध्यान नहीं रहा, ऐसे मैं करती रही, फिर इससे हो ही नहीं रहा था। फिर मथाने रखी थी, मैं बोली किस लिए काम आएगी, ध्यान ही नहीं रहता, कभी कभार हो जाता। फिर हस्बैंड ने निकाल के दी, बोले है तो इससे करो। वो थे घर में तो फ़ोन पकड़ लिया था, टीवी में लगे रहते। मैं बोली थोड़ा पकड़ लो, लड़की स्कूल चली गई, बताओ दिक्कत होती है, ट्राईपॉड नहीं है, ट्राईपॉड खरीद के लेके आ जाओ, फिर नहीं बोलूँगी मैं अपने कहीं भी लगा लूँ। तो फिर आ गए टीवी बंद करके, पकड़ लिया। इसमें हींग डाली थी और मेथी डाली थी, और इसमें प्याज डाला, प्याज की तड़का, प्याज से तड़का लगाऊंगी इसमें। और पकौड़े भी प्याज की बनाई थी और डाल दिया, अच्छी बनी थी, अच्छी भी लगती है। ज़्यादा जैसे खट्टी चीज़ है तो ज़्यादा खटका तो बहुत अच्छी बनती है, जब तक ऊपर से मलाई ना पड़ जाए, जब तक चलाने बनाने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे से बन रही, देखो खदक भी आ रहा। इधर चावल बना के रख, चावल बन रहे, इधर आटा गूंद के रख लिया, रोटी फटाफट बना लूँगी, हो जाएगा जल्दी। और ये बन गई थी, गैस बंद कर दूँगी, इसमें पकौड़ी डाल दी। पकौड़ी मेरे बच्चे कम खाते हैं और मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगती, हाँ खा लेती है तो उसकी है तो अच्छी लगेगी, प्याज की। हो गया तैयार चावल कढ़ी, अभी उसमें वो खाली कर दूँगी और बना ली रोटी। देखो यहाँ पे रोटियाँ, चावल खाए थे तो अभी वो लगे टीवी देखने, मुझे प्यास लगी थी बहुत तेज तो पानी पी लिया, तो अभी 15 मिनट के बाद खाना खाऊंगी। चलिए जो भी बंद, टीवी में लगे, सच में ऐसी टीवी देखते रहते मुझे गुस्सा आता, टीवी देखते देखते ऐसी बैठे जाते, बहुत अच्छी टीवी लगती भाई। आतंकवादी की फिल्म आ रही है, और इधर लगा लूँगी थाली हम दोनों। और अक्षरा भी आ गई थी स्कूल से, 1 बज गया था, वो भी टीवी देखते रहे, उन्होंने भी खा लिया था। फिर 1 बजे फिर वो आ गई, मैं बोली थोड़ा 10-15 मिनट और है तो वो भी आ जाए, साथ में सभी खा लेंगे। तो आ गई थी ये भी लड़की भी, तो फिर यहाँ पे लगा लेंगे थाली और फिर खाऊँगी बैठ के। मैंने सोचा वीडियो भी फिर यहीं पर, फिर आगे नहीं बनाया, फिर मैंने इसी में जोड़ दिया ये पूरा हो जाए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल स्कूल जाते तो दिक्कत हो जाती है, फिर ब्लॉग बनाने में फिर उनकी पढ़ाई भी होती है, फ़ोन से काम भी होने लगा फिर से। आदत इन लोगों की, स्कूल वालों की भी पड़ गई, काम फ़ोन में देते हैं, गुस्सा आता कभी कभार कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, पर नहीं मानते। बनके हो गया तैयार है, क्या है, बनके हो गया तैयार लगा देने के लिए थाली। देखो कढ़ी, चावल, रोटी, चार की मिर्ची, और ये मैं अपने लिए प्लेट में मिर्ची रख ली साइड में, एक खाएगी लड़की, वो भी स्कूल से आ गई, 1 बज गया। हाँ चलो ले जाओ फटाफट से, जल्दी खा लो, फिर उसके बाद जो भी। अब एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।